खबर आगरा से, जहां ताजनगरी में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखने को मिली। वहीं कोविड-19 के बाद दो साल बाद पूरे कृष्ण प्रकटोत्सव को लेकर बाजार भी तैयार हो गए हैं। कहीं भगवान श्री कृष्ण की पोशाक खरीदी जा रही है, तो कहीं झांकियों के लिए मिट्टी से बने खिलौने बेचे जा रहे हैं। वहीं शहर में पिछले 40 सालों से लगने वाला नामनेर का मेला भी अपनी तैयारियों पर है। आपको बता दें कि इस बार आगरा के नामनेर मेले का आयोजन भव्य तरीके से किया जा रहा है। इस मेले को लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। आयोजकों का कहना है कि शनिवार दोपहर तक सारी तैयारियां और झांकियों का काम पूरा हो जाएगा और शाम को मेले को देखने के लिए शहरवासी पहुंच सकेंगे। आपको बता दें कि इस मेले की शुरुआत 4 दशक पहले हुई थी, जिसे अब भव्य रूप में सजाया गया है। आगरा से पवन तोमर की रिपोर्ट। लाला की यहाँ क्या कहते हैं जन्मोत्सव का कार्यक्रम पिछले 35 से 40 वर्षों से निरंतर इस नामनेर क्षेत्र में हो रहा है। धर्म प्रेमी जनता के द्वारा ये कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। यहाँ पिछले 35 सालों से योगेश कुमार पंडित जी द्वारा ये मेला शुरू हुआ था। अब इसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कमेटियों द्वारा, एक तरफ विपिन गुप्ता जी हैं, एक तरफ बंटी बघेल जयशंकर शर्मा जी हैं, सभी के द्वारा ये मिलजुल कर ये मेला सजाया जाता है। 40 साल से पुराना मेला परम्परागत गतिविधियों के द्वारा चलता चला आ रहा है और इस मेले का आयोजन पिछले 2 साल से नहीं हो पा रहा था कोरोना काल की वजह से, लेकिन अब इस बार अवसर मिला है तो देखो कितना भलीभांति तरीके से बढ़िया इसको सजाया जा रहा है।